गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एट स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट फिफ्थ लेसन इनसाइड एन एटम। ओके, वी हैव सीन सो मेनी एटॉमिक मॉडल्स, रदरफोर्ड्स, बोर्स एंड जॉनसन्स एंड डेल्टन्स एटॉमिक मॉडल वी हैव सीन, एंड व्हाट इज द एटॉमिक मास नंबर एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ऑल वी हैव सीन, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो वी हैव सीन इन द लास्ट वीडियो। ये सब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। टुडे वी विल गो टू सी व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला तो क्या रहता है, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन किया था के शेल को दो टू इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल इज टू, और एल शेल में कितना है, एट, एंड एम 18 एंड एन 32। ऐसा अलग अलग शेल्स को वी हैव गिवन इन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स कैपेसिटी। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है, ईच इलेक्ट्रॉन हैज अ डेफिनेट एनर्जी एज पर द शेल इन विच इट इज प्रेजेंट। एक शेल में जितना इलेक्ट्रॉन्स है उसका एनर्जी ये रहता है। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट शेल के इज द लोवेस्ट, सबसे कम कौन सा शेल में है, के शेल में, और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सब्सिक्वेंट शेल्स गोस ऑन इंक्रीजिंग विद द ऑर्डिनल नंबर ऑफ शेल। तो नंबर का, शेल का नंबर जैसे बढ़ता जा रहा है वैसा उसका एनर्जी भी इंक्रीज होता है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें रहेगा, एन शेल में, इजंट इट, एन शेल इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एनर्जी। एंड जो इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी रहता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है एलिमेंट्स का, वो आप लोगों का टेक्स्ट बुक में एक टेबल में दिया हुआ है। हर एक एटम का नाम दिया है, उसका सिंबल क्या है, और इलेक्ट्रॉन्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया है, और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया है के एल एम एन शेल में, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ये सब आपका टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो आप लोग घर पे ट्राई कर सकते हैं ये, ठीक है, कंप्लीट कर सकते, यू कैन कम्प्लीट द टेबल इन योर एट होम, क्योंकि इन फर्स्ट शेल टू एंड इन सेकेंड शेल मैक्सिमम कैपेसिटी इज एट, इफ इन साइड दैट एट देन यू कैन राइट द फुल इन दैट। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, कार्बन्स एटॉमिक इलेक्ट्रॉन नंबर इन एटम इज 6, देन इन फर्स्ट शेल 2 एंड इन द सेकेंड शेल 4। ओके, इफ इट इज मोर देन 8 देन वी वॉन्ट टू पुट इट इन द थर्ड शेल, एम शेल। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस सोडियम, सोडियम का टोटल नंबर कितना है, 11 है, एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है, 11 है, तो 11 है तो 2, 8 वो दोनों शेल में 10 हो गया, तो रिमेनिंग कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, दैट वी विल पुट इन द एम शेल। एम शेल में हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन, रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन वी विल पुट इन द एम शेल। तो 2+8=10 +1=11। वैसा ब्रोमीन है, ब्रोमीन का 35 है, तो फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 18 और रिमेनिंग जो है 7 वो हम लोग फोर्थ एन शेल में हम लोग डाल देंगे इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये ऐसा हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं वो देखा इसमें। अभी वैलेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, वैलेंसी बोला तो क्या रहता है, द वैलेंसी मींस द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम। जो नंबर, जो केमिकल बॉन्ड्स जो है एटम का उसको हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। तो वैलेंसी शेल बोला तो जो भी एटम रहता है उसका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा शेल में है उसको बोलते हैं वैलेंसी शेल, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला तो लास्ट शेल में कितना भी इलेक्ट्रॉन्स है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग फॉर एग्जांपल ये आप लोगों का पेज में दिया है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का कितना है एटॉमिक नंबर जो है 7, ये है 1 है, तो वो फर्स्ट शेल में, हाइड्रोजन का फर्स्ट शेल में एच रहेगा। वैसे ही सोडियम का 11 है, तो वैलेंसी शेल कौन सा रहेगा, सबसे लास्ट वाला शेल, थर्ड शेल एम, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, एक है, और वैलेंसी शेल कौन सा है, लास्ट वाला शेल जो है उसको हम लोग वैलेंसी शेल बोलते हैं, वैलेंस शेल। तो लास्ट वाला शेल एम इज द वैलेंसी शेल ऑफ सोडियम। ओके, तो वैलेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एटम इज डिटरमिन बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल, जो आउटर मोस्ट शेल रहता है उसका कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम लोग वैलेंसी डिटरमिन करते हैं, एंड देयरफॉर द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड द वैलेंस शेल। इसलिए हम लोग आउटर मोस्ट शेल को क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं, एंड ऑल्सो द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सबको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आए समझ में, एक शेल में लास्ट वाला शेल जो है, हम लोग एक एटम का डिस्ट्रीब्यूशन करने के टाइम पे लास्ट वाला शेल जो आता है वो वैलेंस शेल होता है,
और उसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इतना आया ना सबको समझ में? सपोज एक शेल में लास्ट वाला वैलेंस शेल है फॉर हीलियम, फॉर एग्जाम्पल हीलियम, हीलियम का कैपेसिटी कितना है, 2 है, तो फर्स्ट शेल में कितना रहेगा वो, 2 है, तो नेक्स्ट शेल में वो जाएंगे नहीं, 2 में ही खत्म हो गया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए है ही नहीं नेक्स्ट शेल में, तो वो क्या हुआ, डुप्लेट हो गया, इलेक्ट्रॉन डुप्लेट हो गया। मीन्स फर्स्ट शेल जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया। अभी सेकेंड शेल कितने का है, 8 शेल के, तो 8 शेल में पूरा कंप्लीट हो गया, वो जो एटम है उसका कॉन्फ़िगरेशन करने के टाइम पे जो 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में आता है, वैलेंस शेल में आता है, तो दैट इज एन इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट, ऑक्टेट बोलते हैं उसको, ऑक्टेट बोला तो 8, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, दैट इज द लास्ट शेल। और जब वैलेंसी 0 कब होता है अपना, व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट इज कंप्लीट, तो जब वैलेंसी ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, द वैलेंसी इज 0, लास्ट वाला शेल में कुछ भी नहीं रहेंगे उसका, तो उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस शेल इज 0। तो ऐसा नॉर्मली कम रहता है, लेकिन सबसे जो भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हर एक शेल को कुछ न कुछ जाते हैं, हाइड्रोजन का कैसे एक ही रहता है वैलेंसी, जो एलिमेंट रहता है एक ही रहता है, तो वैलेंसी भी वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, और ज्यादा है 8 से भी ज्यादा रहेंगे तो थर्ड शेल में जाता है, और 8 से कम रहा तो उसके पहले के शेल में वो कंप्लीट हो जाता है। जब वो वैलेंस शेल जो है वो उतना ही कैपेसिटी का है और वो पूरा कंप्लीट हो गया तो उसका बैलेंस जो रहता है 0 हो जाएगा, ठीक है, ये आया समझ में? इतना जो नंबर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो, तो ये बेस में भी एलिमेंट एटॉमिक नंबर और ये दिया है एटॉमिक नंबर का और एलिमेंट्स कितना ये। सपोज एलिमेंट जो है हाइड्रोजन एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल कितना है, 1 आएगा। दिस विल बी सीन इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। इतना आया ना आज जो पढ़ा है वो समझ में आ गया ना, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं हर एक एलिमेंट का, दैट इज द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, बाय।